पंजाब कांग्रेस के कुनबे में आज हो सकता है इजाफा। अकाली दल छोड़ चुके इंद्रबीर सिंह बुलारिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। अमृतसर में होगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवजोत सिंह सिद्धू जल्द करेंगे आगामी रणनीति का खुलासा, 4 से 5 दिनों में लेंगे फैसला। आवाज़ पंजाब के नेता सिमरजीत सिंह बैंस का बयान, बैंस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दी आराम करने की नसीहत। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले पंजाब में बड़ा फेरबदल, 77 PCS और 4 IAS अधिकारी का तबादला। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का आम आदमी पार्टी पर निशाना, बोले दिल्ली में नहीं किया विकास, यहां आए तो पंजाब में भी लग जाएंगे ब्रेक। आपका जवाब, कहा दिल्ली सरकार ने पूरे किए अपने सभी वायदे। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने लिया अमृतसर में विकास कार्यों का जायजा, अमृतसर के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने करोड़ों के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। पंजाब कांग्रेस के नेता इंद्रजीत सिंह जीरा ने पंजाब चुनाव आयोग से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। जीरा की मांग, 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब के सभी पोलिंग बूथ्स पर लगे नई वोटिंग मशीन्स। चंडीगढ़ के आगामी नगर निगम चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस, कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को देना होगा शपथ पत्र। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा का बयान, पश्चिम बंगाल और पंजाब की तर्ज पर लिया गया फैसला, बीजेपी ने ली चुटकी, कहा दिल से होना चाहिए विश्वास। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने की किसानों से नमी रहित धान मंडियों में ले जाने की अपील, किसान बोले बाकी राज्यों की तरह मिले छूट कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया, पंजाब के साथ भेदभाव का निकारो। आज देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयदशमी की धूम, लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला में आज पुतला दहन में अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंबाला के बराड़ा में हर साल की तरह इस साल भी देश के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा, लेकिन अगले साल ये बंद हो सकता है क्योंकि श्री रामलीला कमेटी का ये फैसला है कि अगले साल नहीं मिली जगह तो नहीं मनाया जाएगा, जलाया जाएगा रावण। खास होगा चंडीगढ़ के सेक्टर 46 का दशहरा, 40 से 50 फीट की ऊंचाई पर होगा राम और रावण की सेना का युद्ध। हरियाणा में हुआ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ, साल 2017 तक हरियाणा को केरोसिन और प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य, पानीपत में 500 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जाएगा एथेनॉल प्लांट। 15 अक्टूबर को दलितों के हित में बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, 15 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि के जन्म दिवस पर जींद में समरसता दिवस मनाने जा रही बीजेपी, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने जानकारी दी। दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के समर्थकों के बीच मारपीट की होगी जांच, सोनिया गांधी ने शीर्ष शिंदे की अध्यक्षता में बनाई कमेटी, राहुल गांधी के कार्यक्रम में हुआ था हंगामा। हरियाणा के कृषि मंत्री ने किया गुरुग्राम रेनोवेटेड जिला परिषद कार्यालय का उद्घाटन, प्रदेश के सभी गांव में लगेंगे गौरवशिला पट, स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर पंचायतों को और बेहतर बनाने के लिए रिलीज किए जाएंगे फंड। 18 तारीख को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर अलर्ट पर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने का किया दावा, बोले प्रधानमंत्री के दौरे से हिमाचल को कई उम्मीदें। पाकिस्तान को ललकारती कविता सुनाने वाले हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर को मिली जान से मारने की धमकी, उरी हमले के बाद मनोज की कविता हुई थी वायरल। शिमला में IGMC के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन, बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, हिमाचल में मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा। जम्मू कश्मीर के पंपोर में रात भर रुक रुक कर होती रही मुठभेड़, ETI हॉस्टल की 7वीं मंजिल पर 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका, सेना का एक जवान घायल, कल सुबह से चल रही है मुठभेड़। पंपोर एनकाउंटर में सेना का एक जवान घायल, 8 महीने में दूसरी बार ETI की इमारत पर आतंकी हमला, फरवरी में हमले के दौरान 2 सैनिक हुए थे शहीद जबकि 3 आतंकी मारे गए थे।
कश्मीर घाटी में 250 के करीब आतंकी मौजूद, लश्कर जैश और हिजबुल से हैं संबंध, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले हुए थे दाखिल, सूत्रों के हवाले से खबर। सेना ने जारी किया बयान, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीमा पार से आने वाले किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से है तैयार। सोमवार को अपने साथ मीडिया की एक टीम को लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेकर गई थी सेना। कश्मीर में पैलेट गन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होने वाले मिर्च पाउडर से भरे पावर शेल्स नहीं साबित हो रहे कारगर, शेल्स के फटने से पहले ही वापस सुरक्षा बलों तक उन्हें फेंका जा रहा है। सीआरपीएफ की रिपोर्ट के बाद पावर शेल्स के निर्माण के तरीके में बदलाव कर सकता है केंद्र। दिसंबर से ग्लास सीलिंग वाले रेलवे कोच की सुविधा शुरू करेगा रेलवे, स्विट्जरलैंड रेलवे की तर्ज पर लगे होंगे इंफॉर्मेटिव सिस्टम। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले कश्मीर की एक ट्रेन में लगाए जाएंगे कोच, 4 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे कोचेस।